अगर एक सेकंड को भी लगा ना कि मैं वीडियो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ तो भाई वीडियो वहीं बंद हो जाएगी सबसे पहली बात। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, सो लेट्स बिगिन। अरे आगे मत चलो, यहाँ पे भूत है। कोई भूत भूत नहीं होता भाई। अरे कुछ नहीं होगा, तू चल। अरे भूत है वहाँ पर। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? आगे मत जाओ भाई, भूत है तो। कोई भूत भूत नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। वो बता रहा है यार, कितना कॉन्फिडेंस से बता रहा है यार वो बंदा। मनी हाइस्ट की टी शर्ट पहन के अपने आप को प्रोफेसर समझ रहा है इस टाइम पे। यार होके भंडारे में गया था, अंदर गया तो हलवा खत्म, पर बाहर आया तो चप्पल गायब। हाँ हाँ भाई, कौन सा? अच्छा, ये वही गेट है। हाँ खोल। भाई ने मुंह बना के पूरी ताकत लगा दी यहाँ पे कि नहीं भाई, तो खोल के दिखाऊंगा इसको, पर खुल नहीं रहा इनसे यहाँ पे गेट। खुल ही नहीं रहा है। अरे अचानक से गेट खुल गया। भाई ने देख भी लिया यहाँ पे तो। अरे ये गेट तो खुल गया। मैं तुमको इतनी देर से मना कर रहा था, अंदर कोई भूत है, चलो यहाँ से। एक बार दिखाते। चल, मजा आएगा अंदर। और अंदर तो जाना, और अंदर जा। बस गेट के पास क्यों खड़ा है? गेट लॉक हो गया। खोलो दरवाजा, खोलो। भूत कुछ नहीं होता, ठीक क्या? अबे पागल वागल हो गया क्या ये लोग? वीडियो के अंदर भूतिया म्यूजिक डाल दो और भूत भूत चिल्ला दो, मतलब वीडियो भूतिया नहीं बन जाती ऐसे। अरे भाई इस झील में से थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार, मुझे प्यास लग रही है। इस झील में से पानी पी लेते हैं, मुझे प्यास लग रही है। भाई ऐसा बोलो ना कि इस झील में से पानी पी लेते हैं, मुझे भूख लग रही है। रुक जाओ। ए तुम कौन हो? मैं पागल हूँ। मैं झील की छुड़ैल हूँ और तुम इस झील का पानी पीना मत, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम मुझे बता देते ना कि तुम्हारी लड़की के ये हाल हैं, तो तुम्हारी लड़की से मैं शादी नहीं करता और तुम्हारे पिछवाड़े पे चार डंडे मैं अलग से मारता। सही बता रहा हूँ। पानी तो पी रहे, कुछ गलत काम थोड़ी ना कर रहे हम लोग। अगर तुमने इस झील का पानी पिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे पागल लड़की। अरे क्यों मजाक उड़ा रहे हो उस बेचारी का? बेचारी? अरे ये कहाँ जा रही है? अरे इस वीडियो को देख के साफ साफ दिख रहा है कि चार लोग इस जगह पे अकेले हैं, मतलब आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। बट ये पागल लड़की बीच में अचानक कहाँ से आ गई? अरे इसने क्या किया? हमें तो तैरना भी नहीं आता, इसको बचाएंगे कैसे? तैरना भी नहीं आता ये, इसको तो तैरना भी नहीं आता। अब तो वो मर गई है, कोई फायदा नहीं है उसको बचाने का। अच्छा। अरे अब हम क्या करेंगे? अरे चलो यहाँ से भागो। भागो? अरे नहीं, उसका एक भाई भी है, हम में से किसी को जाके उसके। अच्छा इन दीदी को सब कुछ पता चल गया पूरे खानदान के बारे में कि उसके भाई भी यहाँ पे। उसकी भाई मर गई है। नहीं, हम उनको बताने जाएंगे तो हम पर इल्जाम लग जाएगा। तुझे जाना है तो तू जा, वैसे हम लोगों को पता भी नहीं है कि वो कहाँ रहती थी। हम तो उसके भाई को भी नहीं जानते। जिस फोन से तू वीडियो बना रहा है ना, और उसी से 100 नंबर डायल कर दे, पता चल जाएगा वो कहाँ रहता है। मैं भी क्या क्या बात बता रहा हूँ इनको। भाई का पता लगाऊंगी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मेरा भाई मैं तो डर गया। अरे रुको, मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। नहीं, तुमने मुझे डराया और तुम बहुत गंदे दिखते हो, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी। मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, मुझसे सब टूट जाते। तुम फिकर मत करो, मैं तुमसे दोस्ती करूंगी सच में। चलो हम घूमने चलते। लॉलीपॉप फाइंड कोने में बैठते। अरे भैया क्या ऑफर निकाल दिया आपने? तवाई मचा रखी है, मैं सुना है। नहीं भाई कहाँ लगा हुआ है ऑफर, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कोई ऑफर निकला हुआ है। अब तो सर बोल दे। 13 घर ले जाओ भाई, 3 प्लेट खाओ और आईफोन 13 घर ले जाओ भाई साहब। ऐसे तो नहीं होता है। अबे कंटेंट के लिए बीच में हवा दो रोड पे जाके उसके बाद उसकी फोटो खींच के वाह 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 3 प्लेट। इस वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है कि एक लड़का वहाँ से, एक लंबे बाल का लड़का वहाँ से चला आ रहा है जिसके पास एक हाथ नहीं है। तभी एक लड़की ने उसको देखा और कहा कि बेटा तुम रुक जाओ। लड़की आती है और अपने घुटनों पर बैठ के उसको प्रपोज कर देती है। लड़का एक हाथ देखती है, कहती है अरे इसके पास तो हाथ ही नहीं है, तुम तो मेरे काबिल ही नहीं हो। तभी ये लड़का वहाँ से चल देता है उसको गाली बकते हुए। तभी वहाँ पे दूसरी लड़की आती है उसी ग्रुप का, उसको देखती है उसके हाथ में, अब उसका हाथ अपने हाथों पे लेके खड़ी होती है। और तभी लड़के ने उसको इशारे में बोला कि अपनी आंखों को बंद करो।
ये लड़का यहाँ पे क्या बताना चाहता है मुझे ये जानना है। जानना है इस बड़वे को। आज ये भाई आपको बताएंगे कि कैसे हाथ मिलाना है दूसरे लोगों से। मतलब बचपन से अभी तक हम लोग जैसे हाथ मिला रहे थे वो सब झूठ है। अगर आपके सामने कोई हाथ ऐसे मिलाए तो आपको ऐसे मना कर देना है। आपको बोलना है कि रुको पहले मैं कॉफी लेके आता हूँ, फिर उसके बाद हाथ मिलाएंगे। फिर आपको ये हाथ से कॉफी को इस हाथ में डालना है, फिर उसके बाद एक सिप लेना है। एक सिप लेने के बाद आपको फिर से इस हाथ में कॉफी को लेना है, फिर यूं करना है, फिर आपको उससे हाथ मिलाना है। मैं कोई गांव से आया हूं क्या? सूत्रों के मुताबिक छपरी लोगों की उम्र जो होती है वो करीबन 12 साल से लेके 18 साल के बीच में दिखने को मिल जाती है। उसके बाद साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि उनकी जो छपरीपन का जो एक लेवल है वो धीमे धीमे कम होने लगता है और मैच्योर होने लगता है इंसान। बट अगर इस वीडियो के अंदर देखे तो इस इंसान की उम्र करीबन 50 साल के ऊपर दिखती है, बट इसके अंदर का जो छपरीपन है वो नहीं गया है। इसने अपने बाल को नीले रंग से कलर करा रखा है और उसके बाद इस लड़की को देख के लग रहा है कि इसकी उम्र भी 18-19 के बीच में दिखाई देती है। दिखाई देती नहीं है, दिखाई पड़ती है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो बुड्ढा है इस लड़की के प्यार के चक्कर में गिर चुका है और अभी तक ये लड़की भी इसको प्यार करती थी, बट जहाँ इसने एक यामाहा की बाइक देखी तो इसका दिल इस लड़के पे आ गया। वाह क्या धक्का दिया है उस लड़का। देखो भाई साहब मुझे ये समझ नहीं आता क्या लड़की अंधी थी? अगर इसके पास ऑलरेडी एक कार थी तो ये जो बगल में कार खड़ी थी तो इसको क्या लगा कि ये इसकी कार नहीं है? कुछ भी। अब एक लाइन इस वीडियो के लिए नीचे कॉमेंट सेक्शन पे जरूर से बताना। अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो देख देख के हो चुका है मेरा दिमाग खराब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।